शहर के कविवर्य भट्ट सभागृह में एलईडी स्क्रीन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मराठी फिल्म स्टार मकरन अनासपुरे के हाथों किया गया। इस मौके पर खासदार महोत्सव समिति की ओर से मनपा को एलईडी स्क्रीन हस्तांतरित की गई। शहर के कविवर्य भट्ट सभागृह में खासदार महोत्सव समिति द्वारा एलईडी स्क्रीन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मकरन अनासपुरे द्वारा किया गया। सिनेमैटिक स्क्रीन पर सड़क सेफ्टी को लेकर खासदार महोत्सव के कार्यक्रम दिखाए गए। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा इस थीम को लेकर सुरक्षा के सभी कदम कैसे उठाए जाए, इसके लिए एक शॉर्ट मूवी भी बनाई गई थी। मराठी फिल्म की स्टार कलाकार मकरन अनासपुरे द्वारा इस शॉर्ट मूवी में सड़क दुर्घटना की रोकथाम करने के लिए काफी अच्छा प्रबोधन किया गया। इस एलईडी स्क्रीन के माध्यम से मनपा के स्कूली विद्यार्थी, किसान और सांस्कृतिक धरोहर को दिखाया जाने वाला है, जिसका फायदा स्कूली विद्यार्थी, किसानों को होने वाला है। ऐसी जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महापौर दयाशंकर तिवारी इन्होंने दी है। अगर तुम चाहते हो कि ऐसे तुम्हारे अच्छे दिन चलते रहे, तो ये तुम्हारे ही हाथ में है। सॉरी सर, इसके बाद कभी फोन नहीं यूज करूंगा सर। आई एम रियली सॉरी सर। आप इसमें इतना खो जाते हैं कि असल जिंदगी से कनेक्शन ही कट जाता है। आपको पता है हमारा भारत देश रोड एक्सीडेंट के मामले में नंबर वन है। क्या ये गलत बात है? ओवर स्पीडिंग, शराब पी के गाड़ी चलाना, रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाना और सबसे ज्यादा खतरनाक मोबाइल फोन पर बात करते International quality films in digital high definition. UFO. गाड़ी ओवरलोड म्हणजे हा भारताला आमंत्रण, गाडीची रस्त्याची खराबी आणि दंडाचा उद्धर, धोकादायक रसायनाची वाहतूक करताना विशेष काळजी घ्यायची। अहो काळा धूर म्हणजे वायू प्रदूषण आणि ज्यादा इंधन, त्यासाठी इस मौके पर खासदार महोत्सव समिति की ओर से सिनेमैटिक एलईडी स्क्रीन मनपा को हस्तांतरित की गई। भट्ट सभागृह से कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ संजय मेरे, BC News नागपुर।